हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक दोस्त का सवाल है कि विटनेस एविडेंस और विटनेस के हवाले से उनका सवाल है कि उनका केस जो है विटनेस एविडेंस स्टेज पे चल रहा है और पिछली पेशी पे हुआ ये कि जो एक उनके अगेंस्ट जो विटनेस है उनका एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ और उसके बाद जब उनके वकील ने उनका क्रॉस स्टार्ट किया तो उस क्रॉस के बाद कोई अगर सवाल उनका वकील अपोनेंट साइड से कर रहा था तो फिर जो सरकारी वकील थे उसको वो फिर रेलेवेंट पेपर भी दिखा रहे थे, उसको फिर वो बता भी रहे थे आंसर। इस पर उनके वकील ने ऑब्जेक्शन किया कि ये ऐसे नहीं कर सकते और इस हवाले से वो कहते हैं कि हमने इस पर अभी वो क्रॉस एग्जामिनेशन कुछ हुआ है कुछ रहता है नेक्स्ट पेशी पे होगा। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसा कोई लॉ है या कुछ है कि हम इसको कैसे डील करें। इस तरह तो फिर जो विटनेस है वो हर सवाल का परफेक्ट जवाब देगा जब उसको सारा कुछ हेल्प मिलेगी सरकारी वकील से और कोई डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें देखें एक सेक्शन है सेक्शन 155 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर। कानून शहादत ऑर्डर एक कानून है जिसका सेक्शन 155 है जिसके अंदर अगर इतना है कि जब कोई गवाह सबसे पहले वो 161 का स्टेटमेंट देके आता है फिर वो 164 एग्जामिनेशन चीफ बिफोर द जज करता है और जब उसका क्रॉस होगा तो उसको एक राइट दिया गया है रिफ्रेशिंग द मेमोरी ऑफ द विटनेस। विटनेस की मेमोरी रिफ्रेश की जा सकती है लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ड्यूरिंग क्रॉस उसको दूसरा जो वकील है वो उसको सवालों के जवाब डिक्टेट करे। दिस इज़ नॉट अलाउड। इस पर आपका ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही है और हाँ इसमें ये होता है रिफ्रेशिंग जो सेक्शन 155 है इट ओनली रिलेट्स टू रिफ्रेशिंग द मेमोरी। अब उसमें होता है ये कि गवाह जब गवाही के लिए आता है तो उससे पहले उसको बिठाया जाता है और सरकारी वकील उसको प्रिपरेशन करवा सकता है उसकी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है कि आपने पहले ये कहा हुआ है दैट्स इट। उसके बाद जब वो ओथ ले लेता है हलफ ले लेता है और विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है फिर वो उसका हलफ होता है। हलफ लेने के बाद उसको कोई डॉक्यूमेंट या कोई हेल्प नहीं दी जा सकती। अब कुछ इसमें जो वकला साहबान है वो कहते हैं कि नहीं ये एक लॉ है रिफ्रेशिंग द मेमोरी ऑफ द विटनेस तो ये कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसमें हल्फ लेने के बाद हल्फ एक बार ले लिया गवाह ने विटनेस बॉक्स में खड़ा हो गया तो फिर वो अपने से जवाब देगा सारे उसको फिर किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं की जा सकती। अगर कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब वो खुद से नहीं देता और सुन के या कुछ देख के देता है इसका मतलब है वो गवाही नहीं हुई वो फिर गवाही उसकी मानी नहीं जाएगी। तो इस पर आप बिल्कुल ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आपके इसके ऊपर एप्लीकेशन दे दें कि ये रिफ्रेशिंग द मेमोरी के सेक्शन के तहत इस तरह नहीं किया जा सकता और इस पर आपको ऑब्जेक्शन सस्टेन होगा ओवर रूल नहीं होगा। थैंक यू।